हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक सिंपल सा ग्लोई मेकअप लुक। मैंने इस लुक को रक्षाबंधन में क्रिएट किया था एंड आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैंने इस लुक को क्रिएट किया था रक्षाबंधन पे, तो मैं सोची क्यों ना आप सभी के साथ ये मेकअप लुक शेयर किया जाए, इसलिए मैं आप सभी के लिए ये मेकअप लुक लेके आई हूँ। तो फ्रेंड चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर लूंगी टोनर। टोनर हमारे फेस के पीएच बैलेंस को मेंटेन करके रखता है और हमारे स्किन को हाइड्रेट करके रखता है, तो ये बहुत ही अच्छा वाला गुड वाइब्स का टोनर है। उसके बाद मैं लूंगी फेस सीरम। सीरम हमारे फेस में एंटी एजिंग का काम करता है और ये गुड वाइब्स का सीरम है। फेस सीरम ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, बट देखिए मैं इसे कैसे यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा बहुत इसमें बचा हुआ है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसका लिंक, सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी अरोमा मैजिक का विटामिन सी मॉइस्चराइज़र। ये बहुत ही बढ़िया वाला मॉइस्चराइज़र है। मैंने इसे purple.com से परचेस किया हुआ है, और हम कभी भी मेकअप करते हैं या फिर नॉर्मल मेकअप या फिर हैवी मेकअप, तो हमें स्किन केयर रूटीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ऐसा ना करेंगे तो हमारे फेस पे पिंपल आना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगा और हमारा जो फेस है वो अच्छे से मॉइस्चराइज भी नहीं रहेगा। तो हम अच्छे से अपने फेस को मॉइस्चराइज करें तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद मैं लूँगी यहाँ पर आर्गन जेल। मैं यहाँ पर प्राइमर बिल्कुल भी यूज़ करने वाली नहीं हूँ। मैं यहाँ पर प्राइमर की जगह मैं यहाँ पर आर्गन जेल यूज़ करूँगी। ये मुझे प्राइमर जैसे प्रोटेक्ट करेगा मेरे स्किन को, तो मैं इसे अच्छे से प्रेस करके अपने ओपन जो मेरे पोर्स होंगे उस पर मैं अच्छे से इसे फिल कर लूँगी, और ये बहुत अच्छा काम करता है बिल्कुल प्राइमर की ही तरह। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट यहाँ ले लूँगी मैं NYB का कंसीलर स्टिक। मैं यहाँ आज बिल्कुल भी फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं आज एक ग्लोई मेकअप लुक करने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी फाउंडेशन का यूज़ नहीं करूँगी। सिर्फ कंसीलर से ही कंसील करके मैं अपने मेकअप को फिनिश करूँगी और कुछ भी नहीं लगाऊंगी, जैसे कि कॉम्पैक्ट वगैरह कुछ भी नहीं लगाऊंगी। कॉम्पैक्ट लगाने से क्या होता है, हमारा जो मेकअप है वो मैट हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट का यूज़ नहीं करूँगी। उसके बाद मैं इसे एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अपने ईयर और अपने नेक पे लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप इसे अच्छे से ब्लेंड कीजिएगा, इसे घिसिएगा बिल्कुल भी नहीं। आप इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगी तो आपके ब्लेंडिंग पे ही ये अच्छा सा ग्लो आएगा और बहुत ही अच्छा फिनिश लुक देगा। उसके पर अपना आईब्रो फिल कर लूँगी। ये है वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा हैवी मेकअप बिल्कुल इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है, मुझे घर पर ही रहना है, क्योंकि थोड़े बहुत गेस्ट आने वाले हैं घर पे मेरे हस्बैंड को राखी बांधने के लिए। इसलिए मैं थोड़ा बहुत मेकअप कर रही हूँ, ज़्यादा हैवी मेकअप इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे को घर से कहीं बाहर नहीं जाना है, और जो आएंगे मेहमान गेस्ट वगैरह तो वो घर पे मेरे आएंगे, इसलिए मैं थोड़ा बहुत मेकअप कर रही हूँ। तो देखिए मैंने दोनों आईब्रो बातों ही बातों में फिल कर लिया, और मैंने इसे एक स्पूली की हेल्प से इसे कॉम भी कर लिया, तो देखिए कितना अच्छा शेप आया है। उसके बाद मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी अपने आई शेडो के लिए, बस एक पीची सा शेड लूँगी। उसके बाद एक लाइट सा शेड लेके मैं उसे बस एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से बस उसे नॉर्मल ब्लेंड कर लूँगी, बस इनफ। मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, और आप इसे कहीं भी कैरी कर सकती हैं इस मेकअप लुक को। अगर आपको एकदम ज़्यादा चमक धमक नहीं करना है या फिर हैवी लुक नहीं करना है तो आप इस मेकअप लुक को आसानी से क्रिएट कर सकती हैं। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मेकअप लुक, एकदम सिंपल और सटल वाला है। तो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर मैं एक शिमर शेड लूँगी जो पीची पिंकिश कलर में होगा, पिंकिश कलर ही बोलेंगे इसे, ये पीच कलर नहीं है। तो मैं इसे अपने फिंगर की हेल्प से बस इसे कर लूँगी। उसके बाद देखिए गाइस, ये है मेरा काजल कलेक्शन, जो मेरा अलग अलग ब्रांड के काजल हैं ये। इसमें से मैं यूज़ करूँगी पर्पल का काजल। आप सभी को तो पता ही है कि पर्पल का जो काजल है वो एकदम स्मर्च प्रूफ है, ये बिल्कुल भी स्मर्च नहीं होता। कम से कम 5 से 6 घंटे स्मर्च तो होगा ही नहीं, बाकी आप एक बार ट्राई करके देखिएगा कि ये कितने घंटे तक आपके आई पर लगा रहता है। तो मैं यहाँ पर्पल का काजल ले रही हूँ, और मैं इसे लोअर वाटर लाइन और अपर वाटर लाइन दोनों पे ही मैं इसे अच्छे से लगा लूँगी। आप चाहें तो सिर्फ लाइनर लगा के फिनिश कर सकती हैं, बट मैं यहाँ पर काजल ज़रूर लगाऊँगी क्योंकि
गाजर लगाने से जो हमारा आई लुक है ना वो बहुत ही प्यारा लगता है, इसलिए उसके बाद मैं इसे ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अपना जो लोअर बॉर्डर लाइन है उस पर एक लाइट शेड लेके मैं उसे स्मर्श कर लूँगी मेरे काजल को। नेक्स्ट उसके बाद अगर आप चाहती हैं तो आप इसे कर सकती हैं, वरना आप नहीं करेंगी तो भी चलेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी आई बूस्टर का आई लाइनर, ये बहुत ही प्यारा वाला लाइनर है, ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी है और इसका जो एप्लीकेटर है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, माइंड ब्लोइंग है और आप इसे बहुत ही आसानी से विंग ड्रॉ कर सकती हैं। अगर आप विंग ड्रॉ नहीं करना चाहती तो भी इसे बहुत ही प्यारा से इसमें ड्रॉ हो जाता है, बिल्कुल भी आपका हाथ हिलेगा नहीं ना, बिल्कुल भी ये सब तो होगा ही नहीं आपसे। तो मैं इसे अपने दोनों आईज पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। अगर आप चाहती हैं काजल से ही, जो काजल है पर्पल का, उससे भी अपना आई लाइनर लगा सकती हैं। और प्लीज़ ये वाला जो लुक है एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप अपने कहीं भी आप इसे कैरी कर सकती हैं, नॉर्मली आप कहीं जा भी रही हैं तब भी आप इसे कैरी कर सकती हैं, बिना फाउंडेशन का भी बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो मैंने देखिए अच्छे से मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी आई लैसेस कर्लर। तो आई लैसेस कर्लर यूज़ करने से क्या होगा, हमारा जो आई लैसेस है वो अच्छे से कर्ल हो जाएगा, यानी कि कर्ली हो जाएगा और बहुत ही नेचुरल लुक देगा। उसके बाद ये बहुत इजीली मस्कारा इसमें इजीली लग जाता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत नेचुरल लुक आता है, कोई फेक सा नहीं लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। थोड़ा सा हमारी जो आँखें हैं वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा लगता है और सुंदर लगता है, देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। तो देखिए बहुत अच्छे से लग गया है मस्कारा। यहाँ पर मैं हाईलाइट कर लूँगी अपने फेस को। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं लूँगी, बस मैं सेम पैलेट की हेल्प से जिससे मैंने आई शेडो फिल किया था उसी पैलेट से ही मैं कई सिंदी शेड ले रही हूँ, उससे अपना फेस हाईलाइट कर लूँगी। देखिए कितना अच्छा ग्लो आ रहा है, नेचुरल आ रहा है, एकदम ग्लोई सा लुक दे रहा है। कॉम्पैक्ट लगाने से क्या होता, मेरा जो फेस है वो पूरा मैट हो जाता, तो मेरे को आज थोड़ा ग्लोई मेकअप चाहिए था क्योंकि एकदम जो एकदम नेचुरल लुक लगे। तो मैं इसे अच्छे से अपना पूरा जो फेस है उसे अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी। आपको जहाँ जहाँ आपका मन है, आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत है हाईलाइटर की, आप वहाँ वहाँ हाईलाइट कर सकती हैं, बट मुझे ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना था क्योंकि मैं घर पर ही रहने वाली थी। उसके बाद मैं लगा लूँगी यहाँ पर लैक्मे का इन रिच मैट लिपस्टिक, ये बहुत ही प्यारा वाला लिपस्टिक है और ये एकदम मैट भी नहीं है, ये थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर है इसका, एकदम से ज़्यादा मैट नहीं हो जाता है। बट आप चाहती हैं इसे मैट करना तो आप एक टिश्यू पेपर लीजिए, उसके बाद इसे थोड़ा सा पैट कीजिए, उसके बाद ये एकदम से मैट हो जाएगा। ये धीरे धीरे करके ट्रांसफ़र होता है, एकदम से ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो देखिए कितना प्यारा वाला कलर है। उसके बाद मैं लगा लूँगी अपना बिंदी, आज मैं बड़ा वाला बिंदी लगाऊंगी, आज मैं छोटा सा बिंदी बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि सब बोलते हैं कि इतनी छोटा बिंदी क्यों लगाती है, तो मैं आज बड़ा बिंदी लगा लूँगी। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। उसके बाद मैं अपना ईयरिंग भी पहन लूँगी, तो मैं यहाँ पर अपना जो पुराना ईयरिंग है मैं उसे निकाल लूँगी, जो मैं पहले पहनी हुई थी, ईयरिंग पुराना नहीं है मतलब पहले जो पहन रखी थी उसे मैं निकालूँगी। उसके बाद मैं ये पहन लूँगी झुमका, जो बहुत ही प्यारा है, गोल्ड का झुमका है मेरा ये। उसके बाद मैं इसे अच्छे से पहन लूँगी, बहुत दिनों के बाद झुमका वगैरह डालने से क्या है ना थोड़ा सा पेन होता है वहाँ पर, तो बहुत पेन हो रहा था वहाँ पर, बहुत दिन बाद मैं इस झुमका वगैरह डालती हूँ तो पेन होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर लगा लूँगी सिंदूर, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिंदूर लगाना अगर आप मैरिड हो तो मैं यहाँ पर लगा लूँगी सिंदूर। यहाँ पर अपना मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ करूँगी। मेकअप सेटिंग स्प्रे इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे, मैं अभी ये टाइम हो रहा है 10:30 के बीच अभी टाइम हो रहा होगा शायद, तो मैं इसे शाम तक इसे चलाने वाली हूँ क्योंकि शाम तक कोई ना कोई आते रहेंगे इसलिए। तो अब मैं यहाँ पर अपना नेल पॉलिश भी निकाल लूँगी क्योंकि मैं जो नेल पेंट लगाई हूँ वो पिंक कलर का है और मेरा जो ब्लाउज़ है वो रेड कलर का है, तो मैं यहाँ पर कलर बार का नेल रिमूवर ले रही हूँ, तो मैं इसे अच्छे से निकालूँगी। वन स्वाइप में बहुत ही अच्छे से निकलता है, बहुत ही अच्छे से, आपको इसे ज़्यादा रगड़ना नहीं है, ज़्यादा घिसना नहीं है, ये एक ही बार में निकल जाएगा और आराम से ही बहुत ही प्यारा शाइन भी करता है इसको यूज़ करने के बाद। तो मैं अब यहाँ पर निकाल चुकी हूँ अपना नेल पेन, तो उसके बाद मैं पहन लूँगी अपना रेड रेड चूड़ियाँ बैंगल्स,
बट मैं यहाँ पर इसलिए उदास हूँ क्योंकि मेरा जो येलो कलर का जो मेरा साड़ी का मैच जो है, मैं येलो कलर का जो मेरा चूड़ी है, जो मेरा बैंगल है, मैं उसे अपने मायके में भूल के आ गई हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा उदास हूँ। उसके बाद मेरा जो हेयर है थोड़े गीले सूखे बाल में मैं लगा लूँगी लिवॉन सीरम, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हेयर वॉश करने के बाद लिवॉन सीरम लगाना आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मैं लगा लूँगी नेल पेंट, ये है रेड कलर का नेल पेंट, मैंने इसे ऑफलाइन परचेज किया है तो मैं इसका लिंक आप लोग को प्लीज़ नहीं दे सकती, सॉरी। अब मैं इसे अच्छे से अपने नेल्स पे लगा लूँगी। वैसे भी सबसे ज़्यादा हैंड्स पे नेल मतलब नेल पेंट में रेड ही कलर सबसे प्यारा लगता है और बहुत ही सुंदर लगता है। आप रेड कौन कौन ऐसे लोग हैं जो रेड कलर ज़्यादा पसंद करते हैं नेल पेंट में? मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, नेल पेंट में रेड कलर बहुत ही प्यारा लगता है। तो फ्रेंड्स अब देखिए ये रहा मेरा फाइनल लुक, ये है एकदम सिंपल सा ग्लोई सा मेकअप लुक। आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को थोड़ा सा भी पसंद आया ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, और ये वाला जो मेकअप लुक है एकदम ग्लोई सा मेकअप लुक है तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को तो पता है कि मेरा अभी जो यूट्यूब चैनल है मैंने अभी भी स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, धन्यवाद।